أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हम कलिमात में पढ़ रहे हैं बाब नसरा। अब सवाल एक छोटा सा है कि बाब नसरा से आने वाले किसी लफ्ज़ को अगर हम हुक्म में तब्दील करना चाहें, दरख्वास्त में तब्दील करना चाहें, तो ये सारे के सारे फ़ेल अमर कहलाते हैं। यानी फ़ेल अमर में तब्दील करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो अब अगर हम बिल्कुल शुरू से चलें और हम सिर्फ सही की बात करें आज, तो सही के अंदर अगर मेरे पास जैसे एक लफ्ज़ है नसरा, उसने मदद की, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई तुम मदद करो, तो मैं कैसे कहूँ, तो उसका क्या कायदा है, हम ये देखना चाहते हैं। सो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि नसरा से बनाएंगे मुदारे, यानी कि हाल या मुस्तकबिल का सीगा बनाएंगे। तो नसरा से यंसुरु, उसके बाद हम क्या करेंगे कि उस मुदारे के आखिर में जो हरकत है यानी दम्मा है उसको साकिन कर देंगे, तो यन सुर बन जाएगा। जो पहला हर्फ है उसको गिरा देंगे, अलामत मुदारे जिसको कहते हैं, यानी या को गिरा देंगे। अब हम इसको पढ़ना चाहें तो हम इसको पढ़ नहीं सकते, क्योंकि यन सुरु था, यन सुर बन गया, और नून पे तो ऑलरेडी क्या मौजूद है, सुकून मौजूद है। तो अब हमें इसके पीछे एक हमज़ा लगाना पड़ेगा जिसको हम हमज़तुल वसल कहते हैं, और क्योंकि बाब नसरा से बना रहे हैं तो इसके ऊपर आएगा पेश या दम्मा, तो ये बन जाएगा अब उन सुर। ठीक है। सो अब आपके सोचने का काम ये है कि अगर हमने उनसुर बना लिया है तो हम क्या, अगर बाब नसरा से फॉर एग्जांपल हम उसी खाला वाली एग्जांपल में जाएं, तो क्या ये उकबल बनेगा या कुछ और बनेगा, या आपने ऐसा कौन सा लफ्ज़ सुन रखा है जिसका मतलब होता है कहो। अब आपने इस पर गौर करना है और हम इंशाल्लाह अगली ही किस्म में आपको बताएंगे कि कहो किस तरह कहा जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।